फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनमेरिड प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि उन लड़कियों के बारे में जो शादी से पहले प्रेगनेंट हो जाती है। काफ़ी सारे सवाल मुझे आपकी मेरी वीडियो पर मिलते हैं कि मैडम, हमारी एज 18 साल है, 20 साल है, हमारी शादी नहीं हुई भी, हम प्रेगनेंट हो गए हैं हमारे बॉयफ्रेंड के साथ, हमारे पार्टनर के साथ, मतलब ऐसे ऐसे सवाल मुझे मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो प्रॉपर बनाकर बताई जाए कि अगर आप इस टाइप की सिचुएशन में फंस चुके हैं तो आपको क्या करना है, क्योंकि एज इतनी छोटी होती है, कुछ समझ नहीं होती और इतनी ज़्यादा गलतियाँ आप कर बैठते हैं वो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है, वो आपकी हेल्थ के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपकी एज बहुत ज़्यादा छोटी है और अगर आप प्रेगनेंट हो चुकी है गलती से, ना चाहते हुए भी आप प्रेगनेंट हो चुकी, तो आप क्या करेंगी? आपको सबसे पहले तो आपको कब पता लगेगा आप प्रेगनेंट हो गई हैं? देखिए, अगर आपका पीरियड आने वाला है, पीरियड मिस हो गया, तो यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद अगर आपको 2 लाइन दिखाई देती है आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में, तो मतलब आप प्रेगनेंट हैं। इस तरीके से आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना है आपके पीरियड मिस होने के बाद। तो लड़कियां देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब पे आते हैं, सर्च करते हैं कि कुछ घरेलू उपाय मिल जाए जिससे हमारी प्रेगनेंसी क्लियर हो जाए, किसी को पता भी ना चले। यह सबसे बड़ी गलती होती है लड़कियों की जो छोटी एज ही होती है, क्योंकि आपकी एज इतनी ज़्यादा छोटी है, अगर इस एज में आप ये सारी चीज़ें करेंगे, कुछ पिएंगे कुछ खाएंगे, तो आपको लगेगा आपका पीरियड आ गया, लेकिन आपको नहीं पता कि प्रेगनेंसी क्लियर कैसे होती है, पूरी तरीके से प्रेगनेंसी क्लियर कैसे होती है, मतलब क्या साइन होते हैं उसके। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिए। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, अगर आपकी एज 18 से कम है, तो ओबियसली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको डॉक्टर से सारी बातें, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, प्रेगनेंसी को क्लियर करवाना चाहती हैं तो आपके पास दूसरा चारा नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ बताना होगा, सारी सच्चाई आप बिना डरे डॉक्टर को बताइए कि मैम, हमसे ये गलती हो गई है, अब हम प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते हैं। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आप वहाँ पर डॉक्टर से सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन 18 से कम है तो डॉक्टर आपको फिर किसी ना किसी के साथ आपको जाना होगा, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपके घर में से कोई ऐसा मेंबर जिसके ऊपर आप सब कुछ, जिसको आप बता सकें, उसको लेकर आप डॉक्टर के पास जाइए और सब कुछ चीज़ें खुल के बता दीजिए। उसके बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या सही प्रोसेस है प्रेगनेंसी को खत्म करने का। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी कम की होगी, आपकी कम वीक की होगी, यानी कि 15-20 एक महीने की प्रेगनेंसी होगी, तो मेडिसिन के थ्रू भी वो प्रेगनेंसी को क्लियर कर सकते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं उसके थ्रू प्रेगनेंसी क्लियर कर सकते हैं, डॉक्टर की देखरेख में होती है सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम की, यानी कि 1 मंथ से ज़्यादा की है, 2 मंथ 3 मंथ की प्रेगनेंसी है, तो उसके लिए फिर आपको DNC करवानी पड़ती है। DNC डॉक्टर की देखरेख में होती है। DNC जब आप करवाएंगे तो आपको अपनी फैमिली से कोई ना कोई मेंबर रखना होगा, या फिर आपकी कोई फ्रेंड ऐसी है जो आपको उस पर ट्रस्ट है, वो आपके साथ सपोर्ट करती है, तो आप अपने फ्रेंड को लेकर जा सकती हैं, या फिर अगर आप 18 प्लस हैं तो आप अपने किसी ना किसी दोस्त को, ऐसी लोगों को लेकर जा सकती हैं अपने साथ, जो आप जिनको सब कुछ बता सकें। ठीक है, तो उसके बाद DNC होती है। DNC में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही टाइम का, 15-20 मिनट का समय लगता है, और फिर आपको घर पर मेडिसिन वगैरह देकर भेज दिया जाता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर प्रेगनेंसी को क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से आप कुछ मत खाइए। लड़कियाँ मेडिकल से जाती है, मेडिकल से आप ले लेती है दवाई, लेकिन आपको पता ही नहीं होता दवाई कैसे लेनी है, और खा लेती हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं, मैडम हमने एक टेबलेट खा ली, हमें पीरियड आया थोड़े दिन, फिर बंद हो गया। ऐसे नहीं खाए जाते, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, बच्चा अगर कहीं अंदर ही फंस गया, टुकड़े अंदर फंस गए, आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, आगे जाके आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से अपनी मर्जी से कुछ मत लीजिए। गलती तो आपने की है, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो अब आपने गलती कर दी तो उसको सुधारिए, आप डॉक्टर के पास जाकर एक सही काम करिए जो आपको लाइफ टाइम बचा कर रखेगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। अपनी मर्जी से कुछ नहीं खाना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर की सलाह से सब कुछ लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।